तो देखिए, देश भर में हनुमान जयंती का जो उत्सव है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जहां पर दिक्कत थी कि वहां पर माहौल खराब हो सकते हैं, वहां पर व्यवस्था को पूरी तरीके से अलर्ट पर भी रखा गया है। पश्चिम बंगाल की भी अगर बात करें, रामनवमी में जिस तरह की हिंसा हुई थी वहां पर, खास करके हावड़ा में, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जहां जहां से भी यात्रा निकलनी थी वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगाया गया ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो पाए। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर टिप्पणी की थी और कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए थे कि अगर लगता है कि माहौल खराब हो सकते हैं तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया जाए। ये तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने भी आज हनुमान जयंती यात्रा में शिरकत की। और बिलाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, नंदनगरी में मौजूद हैं। सर बिलाल, नंदनगरी में है आप, वहां पर क्या माहौल है, किस तरीके से यात्रा निकल रही है, सुरक्षा का इंतजाम क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि काफी भव्य शोभा यात्रा ये हनुमान जयंती ये निकल रही है नंद नगरी में। और देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो हनुमान भक्त है वो जोश उमंग और उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। हाथों में झंडे जो है वो है उनके साथ में, और बीएचपी और बजरंग दल की तरफ से ये शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई है। और सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो आगे की तरफ जो चल रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि पीछे की तरफ जो है दिल्ली पुलिस के जवान या अर्धसैनिक बलों के जवान की तैनाती जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अभी तक जो शोभा यात्रा जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वो चल रही है। लोगों की काफ़ी भीड़ जरूर है, इसमें कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। भोग वगैरह चढ़ाया है? हाँ जी, चढ़ा दिया। क्या चढ़ाया? मंदिर पे। क्या मनोकामना? बस हिंदुस्तान बना रहे और क्या? बस अखंड भारत हो जाए। जय श्री राम। अखंड भारत बनाने की, अखंड भारत बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर युवा बच्चों के साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर आयोजक भी, आप आयोजक हैं? आयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला नंदनगरी और श्री श्री हनुमान अखाड़ा के नेतृत्व में निकल रही है। हनुमान अखाड़ा अपना यहाँ का बलोपासना केंद्र है जहाँ पर हमारे बजरंगी डेली जाके कसरत करते हैं। अच्छा, तो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं दिल्ली? सुरक्षा के हिसाब से हमारे यहाँ पर 150 से 200 कार्यकर्ता जगह जगह लगे हुए हैं जो कि सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और उनसे बोला गया है कि किसी प्रकार की अगर कोई अप्रिय घटना ना हो सके तो इससे अगर किसी से झगड़ा ना करे अगर कोई। अच्छा, देखने में ये भी आ रहा है कि कुछ शोभा यात्रा में शस्त्र लेकर के भी लोग आ जाते हैं, क्या इस यात्रा में भी इस तरीके के कोई लोग हैं? कोई किसी प्रकार के शस्त्र नहीं है। अगर शस्त्र की जहाँ तक बात है तो हमारे जो देवी देवता है उन सबके पास भी शस्त्र है, हम उन्हीं के अंश हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। शस्त्र किसी प्रकार के ऐसे नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की हानि हो सके। लेकिन देखने को मिला कुछ राज्यों में हिंसा जो है वो भड़की और ये आरोप लगाया गया कि शस्त्र लेकर के थे, उकसा रहे थे, तो क्या इस यात्रा में किसी के पास शस्त्र नहीं है? नहीं, इस यात्रा में अभी तक किसी के पास शस्त्र किसी प्रकार का नहीं है। अगर कोई लेके आता है तो केवल एक तरह से शो पीस है कि खाली अपनी यात्रा का प्रदर्शन। देखिए शो पीस है, यहाँ पे ये जो आयोजक हैं वो कह रहे हैं, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण की किरदार निभाने वाले जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर रथ पर जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के देखिए यहाँ पर जवान जो है वो बड़े अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो भी इस शोभा यात्रा के पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है वो ना होने पाए। तो काफ़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर नंदनगरी इलाके में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सेंसिटिव इलाका भी ज़रूर माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है। मिक्स पॉपुलेशन जो है वो इस इलाके में रहती है, जिस इलाके से जिस रूट से ये यात्रा जा रही है वो भी जो है वो मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में कोई जो है वो किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए, इसको देखते हुए अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती जो है वो जरूर हुई है। तो जरूर, लेकिन भीड़ देखिए आप किस तरीके की यहाँ पर दिखाई दे रही है, हर तरफ जो तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के नंदनगरी की आप देख रहे हैं। बिलाल हमारे सहयोगी लगातार वहां से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रा सही तरीके से निकल रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, देश भर में हनुमान जयंती की धूम है, सब जगह से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे, आपको लेकर चलेंगे कोलकाता मनोज्ञा लोहिवाल के पास, वहां पर क्या हालात है। रामनवमी के बाद हिंसा भड़की थी लेकिन आज सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, पूरा अपडेट आपको देंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।